हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ प्ले और स्टॉप बटन से हम फ़ैन चला रहे हैं। आज हम बटन से फ़ैन कैसा चलता है देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर चार लेयर लिए हैं और ये चार लेयर हैं, जैसे रिंग है, विंग्स है, इसका स्टैंड है और एक टेबल बनाया है। ये चार ग्राफिक पहले ही हमें चार लेयर पर अलग अलग बना के रखना है और फिर किस तरह से इस पर काम करना है हम इसको देखेंगे। जो स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर मैंने क्या किया है कि एक बटन बना लिया है। जैसे देखो, इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। ये जो बटन है ये मैंने एक ग्राफिक के साथ ही यहाँ पर ड्रॉ किया है। जैसे कि स्टार्टिंग में आपने देखा प्ले और स्टॉप बटन अलग अलग मैंने बना के रखे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पर ही बटन बनाऊँ। तो मैंने क्या किया है कि जो ग्राफिक बनाया है बटन वाला, इसी को कॉपी करके हम लोग यहाँ पर प्ले और स्टॉप दो बटन बना देंगे। तो यहाँ से सबसे पहले एक लेयर लेंगे नया, और जो बटन वाला हिस्सा है इसको यहाँ कॉपी करके इस पर पेस्ट कर देंगे। इसके मैं दो पीस करूँगा, जो कि लेयर सात जो दिख रहा है इसी के ऊपर दोनों बटन रहेंगे हमारे। ये मैंने दो पीस बना दिए हैं और लेयर सात का नाम मैंने बटन दे दिया एक्चुअली। तो अब जैसे एक को मैं सिलेक्ट करके इसका अपन सिंबल बनाएंगे, क्योंकि बटन बनाना इसलिए बटन सिंबल होगा हमारा, जिसका नाम हम देंगे प्ले बिटियन और इसको ओके कर देंगे। तो एक का हमने नाम दे दिया प्ले बिटियन। अब इसका इंस्टेंस नेम भी देना है हमें साथ में, बिटियन वन। सेम उसी लेयर पर दूसरे को सिलेक्ट करेंगे हम और राइट क्लिक करके बटन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अब चूंकि आपने देखा होगा मूवी क्लिप ग्राफिक ये चीज़ें भी होती है साथ में, तो हम बटन को सिलेक्ट करेंगे और इसका नाम देंगे स्टॉप बिटियन। इंस्टेंस नेम में बिटियन टू लिख देंगे। अब इसमें यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि बटन वाले लेयर पर ही दोनों बटन बने हैं, स्टॉप और प्ले। ये प्ले वाला बटन है हमारा और साइड में है स्टॉप वाला। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्शन में जाएंगे। ये एक्शन चूंकि मेरा खुला था, आपके यहाँ पर नहीं हो तो हम लोग विंडोज में जा करके इसको एक्शन निकाल सकते हैं। इसका शॉर्टकट F9 होता है उसे। और यहाँ ये ग्रेटर दैन जैसा ऑप्शन जो है, इसके अंदर जाएंगे हम लोग, एक्शन के अंदर जाएंगे और इसके अंदर भी हमें इवेंट हैंडलर करके एक ऑप्शन होगा, इसमें पहला ही ऑप्शन को डबल क्लिक कर दो आप। यहाँ पर स्पेस बार से इसको नीचे करेंगे हम लोग और जैसा मैं लिख रहा हूँ कुछ इसी टाइप से यहाँ पर लिखना है। प्ले लिखेंगे हम लोग, स्टॉप नहीं लिखेंगे। प्ले लिख करके यहाँ ब्रैकेट देंगे और जैसा मैंने लिखा है कुछ ऐसे ही आपको लिखना है। और इसको बंद करके अगेन यही प्रोसेस स्टॉप वाले बटन के साथ करेंगे और सेम एक्शन में जा करके और इवेंट हैंडलर में जा करके इसको डबल क्लिक करना है और सेम स्क्रिप्ट लिखना है। अब यहाँ पर प्ले की जगह बस केवल स्टॉप लिखेंगे, या स्पेस बार देकर इसको नीचे करेंगे, स्टॉप राउंड ब्रैकेट सेमीकॉलन, बस इतना करके इसको एक्शन वाले पार्ट को बंद कर देंगे अपन। अब हम लोग नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। अब यहाँ पर हमने जो फैन का जो विंग्स है वो भी हमने अलग अलग कर रखे हैं।
तो इसमें हमारा केवल विंग्स वाला पार्ट ही एनिमेट होगा, बाकी सारी चीज़ें अपनी अपनी ही जगह रहेगी। तो हम क्या करेंगे कि विंग्स वाले पार्ट का इसका भी हम लोग सिंबल बनाएंगे और वो सिंबल रहेगा हमारा मूवी क्लिप, ये ध्यान रखना है। इसकी नेमिंग दे देंगे हम लोग, इसका इंस्टेंस नेम भी वैसे ही देंगे जो आपको आपको देना है। इंस्टेंस नेम में एनिम जैसे मैं लिख देता हूँ, इसको ओके कर देंगे। अब सबको मैं अनहाइड कर दूंगा और यहाँ जो है जो एक्शन वाला जो लेयर है उसको छोड़कर के बाकी सबको हम 10 फ्रेम तक इंसर्ट की फ्रेम करेंगे। सभी फ्रेम करेंगे इंसर्ट और फिर यहाँ पर जो विंग्स वाला पार्ट है इसको हम लोग इसी अकेले लेयर पर इसको हम लोग ध्यान डालेंगे क्लासिक फ्रेम, क्योंकि इसी को रोटेट होना है। इसलिए अब यहाँ पर बीच में क्लासिक फ्रेम में चूंकि आपको पता है कि बीच में आप कहीं पर भी क्लिक करके और जो ऑब्जेक्ट है हमारा उस पर क्लिक करके यहाँ पर साइड में एक ऑप्शन आ जाता है क्लॉकवाइज, इसको क्लिक करेंगे तो ये रोटेट होने लग जाएगा। इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि ये किस तरह से चलता है। ये देखिए, ये देखो स्टैंड के ऊपर ये बटन है, इसको स्टॉप कर देते ये स्टॉप हो जाएगा। साइड में है प्ले, ये प्ले हो जाएगा। इसको स्टॉप कर सकते हैं और इसको हम लोग प्ले भी कर सकते हैं। तो आप चाहे तो ये बटन बड़े बड़े बटन साइड में भी बना सकते हैं और चाहे तो आप इस पर भाई इस पर ही बना सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।